हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम सिलेबस जो आपका CGSI का मेंस जो आपके ये आपका जो सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा आपके जो कि 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जो ओल्ड बेस पे क्वेश्चन पेपर जो तैयार किया गया था, ये आपका 2012 का जो सिलेबस है जो आपकी अभी तो वर्तमान में भी नया सिलेबस जो कि व्यापम द्वारा बताया नहीं गया है, तो आपकी जो तैयारी है पुराने सिलेबस का आपको पढ़ना होगा। उसके हिसाब से नए सिलेबस में कुछ कुछ अगर चेंज भी होगा तो होगा, बाकी जो सिलेबस आपका सभी सेम होगा। तो वो यहाँ पे सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो SI मेंस के अगर तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस को ही समझना पड़ेगा, सिलेबस से ही आपको पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आना है, बाकी इधर उधर से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिलेबस आपके पास होनी चाहिए अगर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खास करके हम SI के मेंस के लिए यहाँ पे सिलेबस देखेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा। तो सिलेबस यहाँ पे देखें तो भारत का आपको इतिहास पढ़ना है, भारत का भूगोल, भारत की जितने भी अर्थव्यवस्था है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, भारतीय संविधान से, और आपका सामान्य विज्ञान, भारत की कला संस्कृति और पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और समसामयिक घटना जो आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके जो साल के जो क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर से जो आपके वर्तमान में हुए रहते घटना उससे वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वहाँ पे अंकगणित से क्वेश्चन पूछेगा आपका, मैथमेटिक्स से, साथ ही इसमें आपका तर्क शक्ति जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, तो यहाँ से मैथमेटिक्स से और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लास्ट में आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका जो कि भारत का भी सामान्य ज्ञान भी जरूरी है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से 2012 में छत्तीसगढ़ का और आपके भारत का सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा है, और मैंने छत्तीसगढ़ के और सामान्य ज्ञान से यहाँ पे जो कि पहला पार्ट सुबह ही डाली है तो उसको भी जाके देख लीजिए कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या पता आपके यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए, तो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लीजिएगा। पहले पार्ट डाला है, उसके मैंने सेकंड पार्ट भी डाल दूंगा जल्दी ही, तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डिटेल देखते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे जो SI प्री के लिए जो क्वालिफाई है, रिजल्ट तो आ चुकी है, तो आपको समझ आ चुका हो कि हम मेंस की तैयारी करने हैं कि नहीं। तो जिनका प्री क्वालिफाई हो तो बिल्कुल भी विलंब मत कीजिए, SI की तैयारी कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ यहाँ पे तो मुख्य परीक्षा के लगभग 20 गुना जो प्रतिभागी स्टूडेंट को यहाँ पे यहाँ चयन किया जाए, तो जितने भी क्वालिफाई हुए हैं प्री के लिए तो लगभग उनमें से मुख्य परीक्षा के लिए मेंस के लिए यहाँ पे 20 गुना प्रतिभागियों का इसमें मेंस के लिए चयन किया जाना है, इसको याद रखिएगा। तो जिन लोग प्री क्वालिफाई किए हो तो उनमें से 20 गुना उन लोग को मेंस में बैठाया जाएगा। तो इसमें मेंस में इसमें प्लस पॉइंट का है, तो यहाँ में जो प्री में आप जो सिलेबस GK का पढ़े हैं तो वही सिलेबस में GK का आपको मेंस में काम आ जाएगा, थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ेगा इस बार मेंस है, तो इसका वही जो पढ़े हैं आपको वही GK और छत्तीसगढ़ के जो ज्ञान है उसको आपको मेंस में काम आ जाएगा, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। तो आपको रिवीजन है करना है कुल मिला के, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड आएगा मेंस में, थोड़ा हार्ड होगा तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे मेंस के या जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे टाइप की आपको करना होगा। तो यहाँ पे SI जो CGSI मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है, इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन है, टोटल कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो मुख्य परीक्षा में लगभग 600 अंकों के यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो लगभग जो सभी क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, सभी 600 अंकों को वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 200 अंकों के यहाँ पे 3 पेपर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भाषा ज्ञान, तो हिंदी से लगभग 125 प्रश्न इसमें हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश से मैंने डाल चुका है मेरे चैनल में प्रीवियस ईयर के कैसे टाइप के ग्रामर में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे टाइप का हिंदी ग्रामर से पूछा गया है, तो उसको भाई जाके देख लीजिएगा। तो हिंदी भाषा जो भाषा ज्ञान से लगभग 125 जो प्रश्न आपके हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही मैं बात करूँ आपके इंग्लिश ग्रामर से, तो इंग्लिश ग्रामर से अंग्रेजी से आपका 75 नंबर आपके इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाएंगे। तो 125 आपके हिंदी से, 75 आपके इंग्लिश से, तो यहाँ पे जो 125 का प्लस पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो आपके हिंदी से पूछा जाएगा 125 प्रश्न, और आपको वहीं 75 जो क्वेश्चन है आपके इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं सामान्य ज्ञान से, तो सामान्य ज्ञान में यहाँ पे 200 अंकों का आपका सामान्य ज्ञान होगा जो आपके GK, इसमें आपका छत्तीसगढ़ भी इंक्लूड हो गया, तो 200 नंबर को आपको
जीके और आपका इंडिया का जीके, तो ये दोनों आपके 200 नंबर का होगा। तो जो आप प्री में तैयारी के होंगे जीके का, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करो आपका इंडिया का लेवल का जीके का, तो आपको वहीं जो पढ़ें उसी को रिवाइज़ करना, कुछ भी अलग से आपसे पढ़ना ही है, आपका प्लस पॉइंट है। तो इसलिए आप जो जीके पढ़े हैं छत्तीसगढ़ का हो चाहे भारत के, तो वही आपको वही बुक जो कि पढ़ना है, अलग से आपको पढ़ना नहीं है। तो इसलिए वही जो सामान्य ज्ञान के लिए पढ़े हैं तो उसी को फिर से आपको डिटेल से पढ़ लेना है। तो इसमें 200 अंकों का आपका सामान्य ज्ञान होगा, तो जो प्री में पढ़े वही आपको मेंस में काम आ जाएगा। तो थोड़े लेवल इस बार बढ़ा सकता है मेंस है। और वहीं मैं बात करूँ एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो इसमें आपके इसके अंतर्गत आपका गणित आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा और साथ ही साथ आपका तर्क शक्ति जिसे आप रीजनिंग कहते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग को लेकर यहाँ पे 200 अंकों का आपका रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साथ ही साथ आपको मैथ्स और रीजनिंग भी प्रैक्टिस करना है। अगर बुक वगैरह अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बुक अच्छे से बता दूँगा। चाहे कोई भी बुक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपका दे दूँगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 200 नंबर होगा, जिसमें आपका गणित और रीजनिंग ये यहाँ से सामान्य ज्ञान के लिए जो पढ़े वही आपको पढ़ना है। हिंदी में आपसे 125 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा और 75 नंबर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आगे टोटल हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड है तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम डिटेल बात करें तो भारत के जो सामान्य ज्ञान में आपको क्या 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 यहाँ पे पढ़ना है, तो इसमें आपका भारत के इतिहास और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आपको पढ़ना है, इसमें भारत के भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, और भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और साथ ही आपका सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला साहित्य और संस्कृति, और यहाँ पे सामसायिक घटना और खेल स्पोर्ट्स भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपके इन्वायरमेंट से पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके जीके का सेक्शन होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं तो वहीं आप मैं बात करती हूँ वो आपका भारत का जो सामान्य ज्ञान का जो आपको वहाँ से पढ़ना है, आपका छत्तीसगढ़ के सिलेबस है। आपको छत्तीसगढ़ के जीके में आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास जिसमें आपका स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है और जलवायु और भौतिक दशाएँ, जनगणना, पुरातात्विक, पर्यटन, जितने भी पर्यटन स्थल यहाँ छत्तीसगढ़ में उसको पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ का मैंने भूगोल कंप्लीट करा दिया है, जो आपके एसआई मेंस के लिए भी काम आएगा और आपके पीएससी मेंस के लिए भी काम आएगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल कंप्लीट करा दिया है। कल ही मैंने छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय आपके जितने भी राष्ट्र उद्यान है उसको मैंने कंप्लीट, आज से हम रात में नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस पे क्वेश्चन को एमसीक्यू क्वेश्चन है तो तैयार किएगा तो उसको देख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएँ, जनगणना, पुरातात्विक, पर्यटन और केंद्र, ये हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जितने भी साहित्यकार हैं साहित्य के बारे में पढ़ना है, संगीत, नृत्य, साथी कला, नृत्य कला और संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के आपके जन कला के बारे में, मुहावरा, हाना, जितना भी लोकोक्ति है इसको बारे में आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ में, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जितने भी जनजाति यहाँ पे निवास करती है उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनकी क्या क्या परंपराएं हैं, विशेष परंपराएं हैं, उनके क्या क्या तीज त्यौहार वगैरह हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। और साथ ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को आपको पढ़ना है, और वन और कृषि व पुलिस जो विभाग के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा आपको पढ़ना है, स्थानीय शासन, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के आपके पंचायती राज को पढ़ना है। इंडिया तो अलग पढ़ेंगे लेकिन आपको छत्तीसगढ़ के भी यहाँ पे पंचायती राज को आपको पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग वगैरह लगे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है इसको। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ उद्योग हो गया आपका, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, जो भी छत्तीसगढ़ में जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन उसको आपके साल में पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ की जितनी भी जो समसामयिक घटना है स्पोर्ट के बारे में आपको भी पढ़ना है इसमें, और एक ये आपका जुड़ा है नक्सल समस्या के संबंध में आपको सामान्य जानकारी, ये भी आपका नया सिलेबस जुड़ा है तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। तो आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान हो गए। अब देखते हैं अगला टॉपिक, इसके बाद देखते हैं आपके गणित के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हम रीजनिंग का देखेंगे। तो आपके गणित में आपका दशमलव प्रणाली पर है, दशमलव से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। मेट्रिक प्रणाली जिसमें आपका लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय, चाल, दूरी वगैरह इसमें पढ़ना है। साधारण, भिन्न, दशमलव भिन्न,
भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न में बदलने और आपका औसत पढ़ना है। औसत निकालने से प्रतिशत जो संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे पढ़ना है। आपको वर्गमूल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनफल व भाग विधि, दशमलव वाले अंकों भी यहाँ पे वर्गमूल आपके प्री में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये आपके सिलेबस में दिया गया है। आपके परसेंटेज पढ़ना है, प्रतिशत, इसको भी याद रखिए। प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत को दशमलव व दशमलव प्रतिशत में बदलने से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। औसत, औसत निकालने से संबंधित प्रश्न प्रतिशत हो गया। और प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत को दशमलव और दशमलव को प्रतिशत में बदलना, ये फ्रैक्शन को पढ़ना है। चाल समय दूरी आपको ये पढ़ना है। आपके चाल समय दूरी निकालने से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके मोटा मोटा आपके मैथ्स का। और इसमें आपको लाभ हानि के बारे में पढ़ना है। अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशत, रेखा कोण, सरल वक्र रेखाएँ पढ़ना है आपको। और यहाँ पे दिशा की सामान्य जानकारी आपको पढ़ना है आपके मैथ्स। तो आपका ये तो हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस। इसके बाद देखते हैं हम हिंदी का सिलेबस, जो कि आपके 125 नंबर का हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास रचना एवं प्रकार बदलने से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। आपका संधि, जिसमें आपका संधि के प्रकार पढ़ना है। इसमें आपके विसर्ग, जो संधि जितने भी प्रकार हैं उनको बारे में पढ़ना है। व्याकरणिक अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ भी आपके प्री में 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है। मेंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है व्याकरणिक जो अशुद्धियाँ उनके बारे में। शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशाद्विदेशा शब्द है उनके बारे में पढ़ना है। और आपके पर्यायवाची, जो विलोम शब्द, विलोमार्थी करते हैं उसको, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है। और अनेक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको पढ़ना है। आपके मुहावरे व लोकोक्तियाँ के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका हो गया आपका मोटा मोटा हिंदी का सिलेबस। तो उसको भी सिलेबस को ही आपको रख के पढ़ना। अगला देखते हैं इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश से आपके 75 नंबर का आपका इंग्लिश से पूछा जाएगा। तो इसमें आपका नाउन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस प्रीपोजिशन। तो ये आपके मोटा मोटा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो इसमें आपको ये सब पढ़ना है। अब देखते हैं यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस। यहाँ पे एनोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखें तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डिसीजन मेकिंग के से, विजुअल मेमोरी से, और आपके आपके डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से, और अर्थमेटिक रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और इसके बाद देखें तो हम आपके फिगर जो क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तीन क्वेश्चन आपके प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे नॉन वर्ब सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोडिंग और डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपके सिलोजिस्टिक रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके रीजनिंग का सिलेबस है। तो यहाँ से डेफिनेटली आपसे यहाँ से आपके अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। रीजनिंग को मैथ्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी से लग जाइएगा। तो ये थे आपके मेंस के लिए सिलेबस, जो यहाँ से आपको, इससे बाहर आपसे कहीं से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो वो सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और अभी से तैयारी लग जाइएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड किया हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए बहुत काम आएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।